घबराने का नहीं, ट्राई करते रहने का। मुरली 100 रुपया अदालत फाइन। तुम्हारी इस नाकाम कोशिश का इससे बेहतर जवाब मेरी समझ में नहीं आया। कमिश्नर का हार उसका दिमाग खराब किया। कमिश्नर से मिलना पक्का करो। कमिश्नर से आप नहीं, मैं मिलूंगा। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर एमके सिंह। हेलो गिफ्ट ऑफिसर, देखिए आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली ये मेरे को फंसाने की साजिश की गई है। कमिश्नर पकड़ा गया, अब जेल में। ये कुर्सी बार बार जीनत बहन बोलता, ये चाहता कि तुम इस पर आकर बैठो, तुम्हारा इंतजार करता। तुम्हें लगता है ये सब अन्ना ने करवाया है? ये तो जाहिर सी बात है भाई, कमिश्नर ने अन्ना पर हाथ डाला, उसके लोगों को हैरान किया, उसका गोदाम और जगह को खाली कराया, इसमें नुकसान किसका हुआ? अन्ना का। कौन ये सब कराएगा भाई? लॉजिक से तो अन्ना ही कराएगा। इनकम टैक्स वाले अफसर ने बताया भी था पुलिस को कि अन्ना ने रिश्वत भेजी थी एक औरत जीनत के जरिए और उसने कबूला किया। वकालत छोड़कर तेल का धंधा शुरू कर लो वकील। भाई मैं सच कह रहा हूं भाई। सच का आपको कुछ पता ही नहीं। आदमी जब किसी से लड़ता है तो सबसे पहले अपने दुश्मन के दिमाग को पढ़ता है। आपको पता ही नहीं है कि अन्ना किस किस्म के दिमाग का इंसान है। कमिश्नर ने अगर उसे नुकसान पहुंचाया है और अगर ये अन्ना का दिमाग होता तो सीधे कमिश्नर पर हमला हो चुका होता। अन्ना ताकत का खेल खेलता है, दिमाग का नहीं। और ये यकीनन किसी और का दिमाग है। पिछली बार जब तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने बताया था कि अन्ना को कोर्ट में किसी औरत ने बचाया है। जीनत सर, जीनत शेख, उसी ने प्रजापति को मारा था। सच
इसका मतलब कमिश्नर के पास पैसा लेकर ये औरत ही गई थी। अन्ना तक पहुंचने के रास्ते में जीनत हमें मिलेगी ही मिलेगी। वर्सोवा अन्ना का इलाका है ना? जी हाँ भाई। वर्सोवा बीच पर लोगों को बहुत सताया जा रहा है। वहां के लोकल लोग नाव वालों के साथ मनमानी करते हैं, कुछ भी पैसा वसूलते हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा एक कागज बनाओ और कोर्ट में जमा कर दो। भाई भाई मैं कुछ समझा नहीं, इससे आपका क्या फायदा होगा? तुम्हारे तेल की दुकान का लोन मुझसे ले लेना। लोन हमें भी चाहिए हैदर साहब। आपको सब कुछ तो मिला हुआ है, बंगला, गाड़ी, नौकर, पैसा, सब कुछ। अब किस बात का लोन चाहिए? अपने शोहर को खरीदने का। उसकी कीमत अदा करना चाहती हूँ। वापस लाने के लिए जो भी होगा सब करूंगी। तुम्हें महंगी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है, और शोहर भी एक चीज है तुम्हारे लिए जिसे तुम बस पाना चाहती हो। सहूलियत को प्यार नहीं कहते हैदर साहब। मुझे चीजें इकट्ठा करने का ना शौक था और ना है, वो तो सिर्फ वक्त काटने की कोशिश भर है मेरे लिए। और आप देखिएगा, एक दिन आपको आपसे हासिल कर लूंगी, पर उससे पहले छुड़ाना है आपको किसी से। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कीजिए जो करना है आपको। अयो तयोड हे महेंद्र, कैसा आवाज? अयो देवड़, ये आवाज कैसा? तुम उधर देखो, और तुम उधर जाओ, देखो। कल लगता कि हमला होता है, इधर आओ, देखो उधर जाके देखो, जाओ उधर देखो। लक्ष्मी, तुम ठीक? और हमारा बच्ची सरस्वती किधर? और जीनत बहन किधर? तुम ठीक? ये आवंडे, धीरे क्या आवाज है? अरे अलार्म बजता है, इतना आवाज है। देखो उधर, और इधर उधर भी उस तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ जी। ये अलार्म बच्चा लोग को उठाने के लिए लगाया जी। मतलब स्कूल का पहला दिन ना, तो थोड़ा जल्दी उठने का। क्या बोलता तू? उठने का बस था, इतना जबरदस्त अलार्म? ये आइडिया किसका? तुम मुझको नाम बताओ, मैं उसको गोली मारेगा। ना जी, किसका आइडिया जी? अपना मुरली का आइडिया। मुरली? उसने लगाया, और पूरा घर में अलार्म इसलिए लगाया कि जीनत बहन को भी उठना मांगता, और फिर रियाना को भी स्कूल भेजने का इसके लिए। इतना सुबह का स्कूल में बच्ची को क्यों डाल? हमको सुबह उठना में कितना दिक्कत होता, तो बच्ची लोगों को कितना दिक्कत होना। आप तो पूरा रात सोता नहीं जी, तो आपको उठने में थोड़ा दिक्कत होता, पर बच्चा लोग तो पूरा रात गधा बेच के सोता जी, सुबह आराम से उठता। लक्ष्मी, गधा नहीं, घोड़ा।
वही जी। लारा मुरली को अभी इसी समय मेरे सामने लेकर आओ, जाओ खोल मार के उसको। I will shoot him, dead, kill him। जीनत बहन, जीनत बहन। अरे दीदी सुबह सुबह इतनी तेज आवाज, सब ठीक है ना? अयो अम्मा, तुम पूरा सावित्री बहन होता, पूरा का पूरा अन्ना का बहन, वो भी बाहर पूछता ऐसा आवाज कैसा। अरे बाबा, आज से दोनों बच्ची का स्कूल में नाम लिखाया, तो सुबह दोनों को जल्दी उठाना स्कूल के लिए, इसके लिए अलार्म लगाया। दोनों बच्ची का स्कूल में नाम? अरे बाबा, अब घर में कितना बच्ची, दो बच्ची, तो दोनों का नाम लिखाया ना। ये कब हुआ? मेरा मतलब मुझे तो पता ही नहीं। अन्ना का ऐसा ही, अभी कुछ पता नहीं होता, सब अचानक ही होता। अभी तुम वो सब छोड़ो, हम बच्ची का ड्रेस, बैग और शूज भेजता, इसको जल्दी से तैयार करो, हम जाके सरस्वती को तैयार करता। हाँ थोड़ा जल्दी। रिहाना, तुम स्कूल जाओगे? रिहाना स्कूल जाएगी, रिहाना स्कूल जाएगी। भगवान, मैं खुदा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो, ये दोनों बच्चे को स्कूल छोड़कर। ए रुको, तुम्हें क्या करता जी? तेरा छोटा छोटा बच्ची के साथ इतना बड़ा बड़ा गन वाला भेजता। हम जाता दोनों को छोड़ के आते। स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर और टीचर को तंग नहीं करना। ये चॉकलेट तुम्हारा और ये चॉकलेट तुम्हारा।
रेहाना, सरस्वती। हाँ हीरो आया। बच्चा लोग गया स्कूल? चॉकलेट लाया था उनके लिए। हाँ ये ला रहा। हाँ ना अन्ना, कैसा घंटी तुम घर में लगाया? कैसा घंटी लगाया? एक आदमी तो क्या पूरा आती उठ के बैठ जाए। अन्ना दर्द हो रहा। अन्ना दर्द हो रहा? घंटी सुना था अंदर? हाँ अंदर। अन्ना ऐसा घंटी लगाया कि हमारा नींद तुमने खराब। देखो भैया, हमको एक ही टेक में चाहिए, ठीक है? ये है वो फिल्म, देख लीजिए आप। अरे यार, ये सीन पूरे कंप्लीट कर ले मेरे बाप। चला ये हीरोइन के चक्कर में बहुत परेशान हो गया यार। सर हम आपसे एक बात कहते हैं, आप ये हीरोइन से बात कर लीजिए, वैसे बहुत घाटा हो चुका है। ये हैदर भाई को बोल देगी, फाइनेंस आ जाएगा, लॉस कवर। लॉस कवर नहीं होगा, अपनी लॉस कवर हो जाएगी। साले एक तो ऐसे ही भाई की रोमांस के चक्कर में मरने के करीब आ गया। भाई आने से पहले काम को निपटा ले। फुल लाइट्स, लाइट्स ऑफ। कौन बोला बे? हैदर भाई की लुगाई। अब क्या इनकी लड़ाई भी मेरे खर्चे पे? सुना नहीं तुम लोगों ने? बाहर चलो। ए, तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा। जा रहे हैं मैडम, आत्महत्या करने जा रहे हैं। चेक। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले तुम्हें सड़क पे से गुंडों से बचा के घर लाई थी, तब नहीं जानती थी कि अपने पति को तुमसे नहीं बचा पाऊंगी। उसी एक एहसान की वजह से तो तुम्हारी शादी अभी तक मैंने बचा के रखी। एक इशारा कर दो ना तो तुम्हारा पति तुम्हें कल ही तलाक दे दे और मेरे पास आ जाए। इसकी नौबत नहीं आएगी। इससे पहले तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। हाय, इसे ही तो प्यार कहते हैं। कुर्बान हो जाने की कला ही तो प्यार है। तुम्हारे पति को तुम्हें ऐसी कोई अदा नजर नहीं आती ना। भिखारियों की तरह मेरी मोहताजी है ना तुम। मेरे पति को है ना कीचड़ में गिरने की आदत पड़ गई है, और तुम पहला कीचड़ नहीं जहां से मैं उनको निकालना चाहती हूँ। अच्छा तो जाओ, जाके अपने पति को गंगा स्नान करा दो, धो लो सारा कीचड़। तुम्हारी बेबसी पर ना तरस आ गया मुझे। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे पति मेरे पास ना आए खुद से, तो मैं कभी उनके पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पसंद है कि लोग खुद मेरे पास आए, और मुझे सख्त नापसंद है किसी और के पास जाना। मैं एक प्रेमिका के तौर पे कमजोर जरूर हूं जो अपने प्रेमी का प्यार नहीं पा रहे, लेकिन हैदर काजी की बेगम के नाते तुम्हें मेरी ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए। नुकसान जब भी होगा बड़ा होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद की मुलाकातों में जुबां की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या पढ़ा स्कूल में? अम्मा अच्छा स्कूल है, ABCD गोली टीचर ने ढेर सारे खिलौने दिए। बहुत बढ़िया। कुछ खाया मेरी बच्चियों ने? मलोगा अंदर चले।
हेलो क्या हुआ अन्ना? वो नहीं जीनत बहन, होगा होगा वैदर को पता नहीं कि मुझको अन्ना को चेड़ने का अंजाम क्या? क्या? अब क्या हुआ अन्ना? किसका फोन था? हमारा वर्सोवा वाला कबरी का फोन था। वो बोला कि हमारा चोकरा लोग पर शिकायत दर्ज कराया है कि हम सबको परेशान करता, सबको। पुलिस वाला बोला कि एरिया खाली करना, और ये अर्जी हैदर डाला। हैदर उस एरिया पर जो सामान उतरता वो हैदर का होना है ना जी? आज मैं माल उतारने जाएगा। अन्ना आप? आप मतलब इससे पहले हम लोग क्या था? इससे पहले हम लोग मच्छी पकड़ता था, पकड़ता था कि नहीं? शिकार करना हमारा पुराना शौक। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तक अन्ना को खबर मिल चुकी होगी और वो खुल के खेल खेलने वाला खिलाड़ी है। अब वो सामने आएगा। उसका पुराना काम बोट से स्मगलिंग का माल ढोना है और आज भी वो वही करेगा जहां तक मैं जानता हूं। तुम एक काम करो, आज हमारा जितना भी माल आएगा सारी बोरियों को टायर से बांध दो। उससे क्या होगा? हम बोरी में सोने के साथ क्या डालते हैं? नमक, ताकि पुलिस को पता ना चले। अगर अन्ना ने माल पानी के अंदर फेंक दिया और सारा नमक पानी के अंदर घुल गया तो हमारा सोना तैर कर ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सारी बोरियों को टायर से बांध देते हैं तो टायर सारी बोरियों को तैरा कर ऊपर ले आएगा और हमारा माल हमें वापस मिल जाएगा। तुम लोग जाओ। कायल हूं आपके दिमाग की। बोरियों को तो डूबने नहीं देते मगर बीवी? आप लैला से क्या क्या कर रही हैं? ओह, तो खबर फिजाओं में खुशबू की तरह फैल गई। खुशबू की तरह नहीं, गंदगी की तरह फैल गई कि हैदर काजी की बेगम
शूटिंग पे जाकर शूटिंग को बंद करवा कर अपनी ताकत की नुमाइश करती है। वो ताकत जो नाम के आगे काजी जुड़ जाने से आ जाती है। यही तो अफसोस है, जो नाम जिंदगी से जुड़ना चाहिए वो सिर्फ नाम से जुड़ के रह गया, और रिश्ता सिर्फ कागजों में जिंदा है। और आप भी तब तक जिंदा है जब तक आप अपने दायरे की इज्जत करें। ये घर, ये फूलों का तोहफा, मेरी बेगम की गुस्ताखियों का माफी नामा है। आप बेगम की कड़वी जुबान की नहीं बल्कि इस तोहफों की हकदार है। आज की शाम हम और आप इसे यादगार बना देंगे। हैदर साहब, आपके स्टाइल पर हम फिदा हैं, ना कि आपकी बेगम की कड़वाहट पर। उनका दुख हम समझते हैं, पैसे से प्यार को ना खरीद पाने का दुख जो हमने हासिल कर लिया है। अन्ना, मैं भी आती हूं आपके साथ। तुम जीनत बहन, ये आदमी लोग का काम होना हा? अब अन्ना, आपने तो कहा था कि आप ताकत हैं और मैं दिमाग हूं। आज दिमाग का जरूरत नहीं, तुम जाओ। अन्ना, प्रजापति जैसे कितने इंस्पेक्टर होंगे वहां पे? ओदंडी, चलो। ये हैदर के आदमी लोग हैं, बोरी पे टायर बांध रहे हैं। अरे अन्ना, आप? हाँ मैं। कोई कदा शिकायत किया कि हमारा चोकरा सबको परेशान करता, इसलिए पुलिस हमारा आधा चोकरा को अंदर जमा किया और बाकी आधा को रोक लिया। इसलिए हमको आज हमको काम संभालने के वास्ते आना पड़ा। ये वो नमक का बोरी जो हैदर का अन्ना गोराई लेके जाने का है। मुरली, ये नमक की बोरी पे टायर क्यों बांध रहे? मेरे को नहीं मालूम था। चलो ऐसा करो कि ये नमक का बोरी तुम झट्टी पर डालो, आज हम इसको लेकर जाए। चलो 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 चलो, जल्दी करो काम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
जीनत बहन, ये क्या करता? अपना हाथ गंदा क्यों करता? अन्ना जल्दी, एक नमक की बोरी कितने की आती है? नमक का बोरी 2 या 3 रुपए। जल्दी जल्दी करो। और टायर? टायर 4 रुपया झुब के साथ। लेकिन ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछता? अन्ना, जब आप घर से निकले थे लगा था लड़ने आए, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जीनत बहन, आज हमारे चोकरा लोग यहाँ पर नहीं आए, इसलिए हमको आना पड़ा। ये बात मैं तुमको बोला बोला कि नहीं? और रहा बात लड़ाई का, अब तक लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन होगा। अब तक जो पुराना सब बदल जाएगा। अब तक हर बोरी का किराया उसका बाड़ा गुराई तक 50 पैसा, लेकिन आज मैं 2 रुपया मांगे। 2 रुपया वो लोग देंगे ठीक, नहीं देंगे तो बोरी उठाकर पानी में फेंके। कम से कम अगर 20 बोरी भी पानी में गया तो इधर का नुकसान होंगे। अन्ना, क्या मैं रघु और पालू को गुड़ाई बीच दे सकती हूँ? इन दोनों को तुम इतना रात को भेजना चाहते? खाई के वास्ते किस लिए? अन्ना, दिमाग की बात है। अरे सिस्टर, फिर अन्ना को क्यों परेशान करता है? दिमाग का बात अन्ना से नहीं करने का, दिमाग का बात अपुन से करने का। मुरली चौक मारा। अब तुम जल्दी से ये टायर उठाओ और बोट में डालो, और याद रखो हर भोरी का किराया उसका भाड़ा 2 रुपया आज से। हैदर भाई नहीं मानेंगे अन्ना, 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, भोरी को बोट में डालो, लेकिन सुनो, अगली बार जो मैं मांगूंगा तुमको देना होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। अन्ना ने सारा माल फेंक दिया, अन्ना ने धोखा किया, भागो। अन्ना भी अजीब है। सही किया अन्ना ने, अगली बार से बोरी ले जाने का वही मिलेगा जो अन्ना चाहेगा। अब समझा कि आज हम क्यों आया? ये हिम्मत हमारा चोकरा नहीं दिखाता। लड़ाई होती, एक लीडर जब अपने आप आगे बढ़कर काम करता तो इच लोग में हिम्मत बढ़ता। चलो चल।
जीनत बहन, मैं तुमको क्या बोला, तुम बेखार में उतर गया और वो दोनों फंटर लोग तुम उनको बेखार में बुराई बीच भेजा। अन्ना सुबह बात करते हैं, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। और वो जो सुबह सुबह बजता है ना आपका अलार्म, हाँ जो मुरली ने लगाया था। मुरली, कल अगर वो अलार्म दोबारा वैसे ही बजा तो मैं तेरा कान का नीचे बजाना। इतना अच्छा मौका था अन्ना को माल के साथ पकड़वाने का, पुलिस को खबर कर देते तो अन्ना माल के साथ पकड़ा जाता। अब अन्ना भी बच गया और माल भी गया। ये टायर, ये बोरी, तुम दोनों को किधर मिला रे, किधर मिला? भाई मत जल्दी पे, जिनत बहन ने कहा था तुम आज आके ठहरने को, क्योंकि हवा का रुख उधर का ही, ये भाई के उधर ही आएगी। वाह जिनत बहन वाह, तुम बोलो, तुम बोलो, मैं तुम्हारा कितना तारीफ करूं, कितना तारीफ करूं। और हम करेगा, सबको बोलेगा कि हमारा काम में हम ताकत और तुम दिमाग। ये दिमाग फिर से अन्ना का नहीं है। अन्ना को कहां हवाओं के रुख की पहचान है। भाई ये लोग बोल रहे थे कि एक औरत भी थी साथ अन्ना के, जो जमीन से मट्टी हवा में उड़ा के देख रही थी। जब तक ये औरत अन्ना के साथ है, अन्ना महफूज है, और इसी औरत की वजह से आज मेरा सारा सोना अन्ना को मिल गया। जब तक ये औरत अन्ना के साथ है, अन्ना महफूज है, और इसी औरत की वजह से आज मेरा सारा सोना अन्ना को मिल गया। अगर अन्ना ने फोन करके पुलिस को माल लौटा दिया तो अन्ना का कद हमसे बड़ा हो जाएगा। अब तुम देखो हम क्या करना। अब क्या कर रहे हैं अन्ना? तुम चुपचाप देखो कैसे अब पुलिस का बंदा हमसे हटकर हैदर के गर्दन पर चाहता। मतलब? मतलब ये जो सोना हम पुलिस को दे, ऐसा करने से पुलिस की नजर में हम उनका मदद करने वाला बनता, और फिर हमसे हटकर पुलिस का नजर हैदर पर पक्का, और उसके बाद जट्टी का राज हमको वापस आना, वापस, और हैदर का सोने का काम धंधा वर्सोवा में बंद, खत्म, बिल्कुल। जीनत बहन तुम क्या करता, क्या करता तुम? आपका और हैदर का चूहे बिल्ली का खेल कभी बंद नहीं होगा। बंद किसको करना, किसको बंद करना? जीनत बहन इस धंधा में तुम नया आया, इस धंधा के बारे में तुमको कुछ नहीं मालूम। यहाँ जो दुश्मनी होता उसको खत्म होने में चार पांच पीढ़ी लगता, चार पांच पीढ़ी। यहाँ हर धोखा का मतलब मौत, हर धोखा का अंजाम मौत। बात होशियारी की है अन्ना, और मैं आपको यकीन दिलाती हूं इसके बाद आपको हैदर से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टर अन्ना किसी से नहीं घबराता, हाँ सिवाय लक्ष्मी भाभी की। मैं उस घबराने की बात नहीं कर रही, मैं जानती हूं अन्ना किसी से नहीं डरता। अन्ना को हमेशा अपने लोगों की परवाह रहती है कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। जट्टी पे भी अन्ना को अपने छोकरों की चिंता थी। ये घबराहट, ये फिक्र खत्म करने की बात कर रही है। आज तुम अन्ना का दिल का बात समझ गए, आज तुम अन्ना को समझ गए। इसीलिए कह रही हूं अन्ना
मुझे जो करना है करने दीजिए। आपके इतने एहसान हैं मुझ पे, आपके लिए कुछ भी करके खुशी मिलेगी। इससे पहले कि मेरा माल पुलिस तक पहुंचे, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। आदमी लगे, ताकत लगे, जो भी लगे, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। ठीक है, आज के बाद हम तुमको कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये इधर भरोसे का काबिल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना अपना काम के लिए, अपना नाम के लिए, पैसा के लिए, दौलत के लिए वो किसी को भी बेच सकता, अपने आप को भी बेच सकता, अपने आप को दाव पर लगा सकता। दाव पे आप और हम नहीं, उसकी इज्जत लगी है ना।